बहुत ही कमाल का कंट्री है इंडिया। 2.4% जमीन है सिर्फ पूरे भारतवर्ष की, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो, ग्लोब में देखो तो इतना सा नजर आता है, लेकिन 18% पॉपुलेशन इंडिया में है। लोग बहुत हैं, जगह थोड़ी सी है, बहुत ही जवान कंट्री इंडिया, बहुत ही यंग कंट्री है। 50% पॉपुलेशन इंडिया की 25 साल से कम है और 65% लोगों की उम्र 35 साल से कम है, और इंडिया का जो एवरेज एज है वो कम होती चली जाएगी 2040 तक। 2020 में इंडिया की एवरेज एज 29 साल होगी, चाइना में एवरेज एज 37 साल होगी और जापान में एवरेज एज 48 साल होगी। इतनी यंग पॉपुलेशन, तो ये तो बहुत बड़ा असेट हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर भी हो सकता है अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू है इंडिया का। या तो एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, और अगर मिले भी तो एक बीटेक ग्रेजुएट को जो सैलरी मिलनी चाहिए थी उससे कहीं कम मिलती है बहुत सारे लोगों को, बहुत थोड़े लोग सही जॉब ले पाते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अनएम्प्लॉयमेंट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया गवर्नमेंट को पता है ये बात, और इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा मेजर ड्राइवर हो सकता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस इशू करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गाइडलाइन इशू होकर पूरे स्टेट्स में चले गए, और बहुत सारे स्टेट्स ने उन गाइडलाइंस को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, और ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। इंडिया गवर्नमेंट और बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है, इसमें योगदान दे सकती है इस प्रॉब्लम को दूर करने में। अमिताभ कांत जो कि 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इस वक्त नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने अपनी एक स्पीच में, जिसको आप जगह जगह गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट कर सकती है भारत की इकोनॉमी में, और उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। इंडिया में 24% लेडीज काम करती हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी की तरफ सिर्फ 17% है, जबकि ग्लोबली वुमेन कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ अदर कंट्रीज इज अबाउट 40%, यानी कि दूसरे कंट्रीज में करीब 40% योगदान महिलाएं देती हैं, इंडिया में सिर्फ 17% योगदान महिलाएं देती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एम्पावर किया है इंडियन वुमेन को। वो लेडीज़ जो कि घरों में बैठी थी, जो कि जिनका की पोटेंशियल टोटली अनटैप्ड था, वो इस इंडस्ट्री में आके इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बन गई हैं और स्टेज पे आके बोलती हैं और दूसरी लेडीज़ को प्रोत्साहित करती हैं, अपनी अपनी वुमेन टीम्स बना ली हैं और बहुत ही सुपर फायर्ड अप है इस बिजनेस के अंदर आके, और बहुत बड़ा योगदान इस इंडस्ट्री को उन्होंने दिया है। और सिर्फ इस इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं लेडीज़, और इस इंडस्ट्री ने वुमेन को एम्पावर किया है आगे आने को और आगे आके बढ़ के इस बिजनेस में काम करने को। WFDSA ने अभी अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स, उन्होंने अभी अभी एक 1 जून 2019 को एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और वो रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आइए उस रिपोर्ट की तरफ एक नज़र डालते हैं। चलिए पहले देखते हैं इस पाई चार्ट को। ये जो रिपोर्ट है ये जून 1, 2019 में पब्लिश हुई है, और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2018 का पूरा रिटेल सेल्स को इसमें दर्शाया गया है। और इसमें ये जो पाई चार्ट है इसके अंदर दुनिया की टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात हुई है, और इसमें बताया जा रहा है इस चार्ट के अंदर कि किस कंट्री में कितने परसेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम हुआ है, कितना बिजनेस हुआ है किस कंट्री में। और चलिए अब इसको चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, और
ये चार्ट ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में 13,19,000 करोड़ की सेल होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, और पूरी पॉपुलेशन 770 करोड़ लोगों की है पूरे वर्ल्ड की। इसमें से नंबर वन कंट्री है चाइना, और चाइना में 138 करोड़ पॉपुलेशन है और 244,000 करोड़ रुपए का वॉल्यूम होता है। अमेरिका में सिर्फ 32 करोड़ पॉपुलेशन है और वॉल्यूम होता है 242,000 करोड़। और ये दोनों कंट्री 18% ईच टर्नओवर कर लेते हैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। जापान जिसमें सिर्फ 12 करोड़ लोग रहते हैं 110,000 करोड़ का बिजनेस होता है। कोरिया जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है 123,000 करोड़ का सालाना बिजनेस करती है, जो कि 10% है। जापान का 8%। और इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 133 करोड़ है वो सिर्फ 10,000 करोड़ का वॉल्यूम करती है, जो कि 1% से भी कम है। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इंडिया में तो ये बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, इट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। 133 करोड़ लोग और सिर्फ 10,000 करोड़ का वॉल्यूम, ये सेट कर देता है एक स्टेज एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के लिए। बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ही जबरदस्त फीचर लेके आती है। सबसे पहली चीज, बहुत ही लो स्टार्टअप कॉस्ट है, पैसे नहीं लगते। नंबर दो, जबरदस्त ब्रांडेड प्रोडक्ट, एस्टेब्लिश प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करने का मौका मिलता है। नंबर तीन, कोई ओवरहेड नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई हेडेक नहीं। नंबर चार, होम बेस्ड बिजनेस है, घर से इसको बिल्ड किया जा सकता है। नंबर पांच, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, 60 साल से कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं। नंबर छह, आपको सपोर्ट और हेल्प मिलती है कामयाब लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया इस बिजनेस को सक्सेसफुली। फॉरेन ट्रिप, लाइफस्टाइल, परमानेंट ऑनगोइंग इनकम, ये सब बहुत जबरदस्त फीचर हैं इस बिजनेस के। ग्रोइंग बिजनेस, विलेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन, इस बिजनेस को आप अपनी अगली जनरेशन को विल कर सकते हो। आपने जहां ये बिजनेस छोड़ा वो वहां से इसको आगे लेके जा सकते हैं। इस तरह के फीचर को लेके ये बिजनेस एक बहुत ही यूनिक बिजनेस है। और अब टाइम आ गया है जब हर सिटी में इंडिया के अंदर, हर शहर के अंदर कामयाब लोग बैठे हुए हैं। आपको हर सिटी के अंदर सक्सेसफुल लोग मिल रहे हैं, और जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था उनको काफ़ी समय लगा एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के लिए, लेकिन अब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उससे आधा टाइम ले रहे हैं उसी लेवल पे जाने के लिए। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले लोगों को लंबा समय लगा, अब लोगों को कम समय क्यों लग रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, पॉपुलेशन बढ़ गई है। नंबर दो, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है। नंबर तीन, लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने लग गए हैं। नंबर चार, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। नंबर पाँच, लोगों के जेब में पैसे हैं, जहां पहले जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था लोगों की जेब में 100 का नोट भी नहीं होता था, आज 500-500 रुपये लोगों की जेब में है। हमारे टाइम पे लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं लेते थे जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, आज हर बंदा ब्रांडेड प्रोडक्ट लेता है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। तो ये सब सेट करता है इस बिजनेस के एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के लिए। डॉक्टर्स, लायर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, सब ने इस बिजनेस के अंदर प्रूव कर दिया। ऑलरेडी हर वॉक ऑफ लाइफ का बंदा अचीव कर चुका है। आप प्रोफेशन बोलो, मैं आपको उसका अचीवर दिखा सकता हूँ। आप कोई भी एरिया बोलो, मैं वहाँ अचीवर दिखा सकता हूँ। कोई भी इंडिया की स्टेट सिटी बोलो, वहाँ इसका अचीवर दिखा सकता हूँ। ये सब एकदम तैयारी है पूरे एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की। आप भी इसको कर सकते हो, यू कैन डू इट आल्सो।